जो ड्राइवर साहिबान है वो ओवरलोड लेके गाड़ियां वहां पे देखने को मिलती है। तो जहां आप किश्तवाड़ के अंदर गाड़ियां इनके ट्रैफिक को लेके काफी इकदाम उठा रही हूं, वहीं बॉर्डर की बात करें वहां पे कहीं ना कहीं ओवरलोड दिन ब दिन जारी है, तो क्या बताना चाहेंगे किस तरह के इकदाम उठाएंगे? बॉर्डर में सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्योंकि यात्रियों के जो मूवमेंट है अराउंड 10,000, तो आपने बॉर्डर गुलाबगढ़ तक देखा 1300 व्हीकल्स यात्रियों की आके पार्क हो जाती है। वहां से फिर लोकल गाड़ियां जो उनको फेरी करती हैं अप टू कुंडेल, तो उसमें लोकल गाड़ियों की जो क्वांटिटी है, नंबर है, वो बहुत कम है। 80 के आसपास गाड़ियां हैं, वो सभी गाड़ियों की नीड पूरी यात्रियों की पूरी नहीं हो सकती है। फिर वो यात्री क्या जबरदस्ती करते हैं और इनिशियली गाड़ियों पर जबरदस्ती बैठे, लेकिन हमने कट ऑफ लगा के हम उतार देते हैं। आपने देखा पिछले दिनों में हमने प्रेस में भी दिया है, और एक दिन में 40 गाड़ियों को चालान किया है, दूसरे दिन 21 गाड़ियों को चालान किया है। बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ओवरलोडिंग अगर बैठता उतार दो, ड्राइवर के खिलाफ एक्शन होगा। और उसमें हमने सिंस वहां एक थोड़ी सी मोनोपोली टाइप है कि भाई लोकल गाड़ी ही लेके जाएगी, ऑल दो एक फैक्टर है कि वहां टेरेन टफ है, तो लोकल बंदा सक्सेसफुल है गाड़ी को उस टफ रोड पे चलाना और यात्री की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। बट वो एक क्रूशियल टाइम बनता है जब यात्री उतर के मॉर्निंग में आएंगे, तो 12 बजे के बाद एकदम से अचानक रश बढ़ जाता है, देन दे अटेम्प्ट। बट वी आर इंश्योरिंग, आज भी हमारे ऑफिसर्स वहां हैं, कि किसी भी गाड़ी पे ओवरलोडिंग नहीं होगी। होगी तो ड्राइवर को भुगतना पड़ेगा। ड्राइवर डरते हैं कि हमें जो यात्री हैं वो धमकाते हैं। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है हम केस रजिस्टर करेंगे। अगर कोई यात्री भी हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, वायलेट नहीं कर सकता। सर कि जितनी भी गाड़ियां जम्मू से या डोडा से या किश्तवाड़ से जाती हैं उन्हें गुलाबगढ़ में ही रोका जाता है, आगे उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। देखिए उस रोड की कैरिंग कैपेसिटी आगे नहीं है, और ना ही वो बड़ी गाड़ियों के लिए बनी है। सिंगल रोड है 3 मीटर के आसपास, और उस पर हैवी गाड़ी तो बिल्कुल जा ही नहीं सकती। बस का तो बोल जा, जो मीडियम व्हीकल है वो भी नहीं जा सकती, आगे वापसी का रास्ता ही नहीं है कि टर्न भी लेना, आपने देखा होगा। और ऑनली केवल जो टाटा सुमो या LMV है वही जा सकती है। अब यात्री जिसने यात्रा करने जाना है वो गाड़ी वहां आगे जाके पार्क करेगा, तो फिर सारा रास्ता चौक हो जाएगा, आगे पार्किंग स्लॉट भी नहीं है। तो आपको पता है टफ टेरेन है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो ग्राउंड रियलिटी को देख के होता है, ना कि इमोशनल एस्पेक्ट को। तो उसके चलते हमने ट्रैफिक पुलिस और हमारे जवान जो है, इस समय मेरे वहां 160 जवान इस पूरे ट्रैक पे लगे हुए टू मैनेज द ट्रैफिक। इस बार यात्री 3 टाइम्स ज्यादा आ चुके हैं, ये भी समझना है। लेकिन हम तो ये भी कह रहे हैं कि लोकल जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपनी गाड़ियां और ज्यादा लगाएं, लेकिन वो क्या है कि वो पूरा दिन गाड़ी भी नहीं चला सकते, थक जाते हैं, तो ड्राइवर्स की प्रॉब्लम है। स्टिल एक समय को, क्रूशियल समय को मैनेज करने के लिए हम इवन यात्रियों की चंद गाड़ियां हमें परसों भेजनी पड़ी, कि जो गाड़ियां नीचे 1300 उसमें से 100 गाड़ी दोबारा भेजनी पड़ी, उसको नीड को कैटर कर रहे। तो ये आने वाले वक्त में अब जो 4 दिन के बाद यात्रा थोड़ा फिगर कम हो जाएगा एंड प्रॉब्लम ये ठीक भी हो जाएगी, बट वी विल इंश्योर नो ओवरलोडिंग। सर हर बार में माथा टेका है। अभी मेरे पास जो डेटा है उसके 1,27,000 हो चुके हैं। कल दिन में केवल एक दिन में 12,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं, तो 4 टाइम्स देन द लास्ट ईयर एक दिन का फिगर जा रहा है। सो इस बार यात्री जो है, अभी हमारे पास स्टिल 18 से 20 दिन बाकी है, बहुत अच्छे तरीके से यात्रा चल रही है और अभी तक सब ठीक है, और कोई भी ऐसी दुर्घटना या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। उसमें पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए, प्लीज इंश्योर कि ओवरलोडिंग नहीं करनी, आपके आपके बच्चों की सेफ्टी है।